तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, एक बार थोड़ा सा कैमरा साफ कर लेता हूँ, उससे पहले बात कर लेता हूँ। तो आज है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे। आप लोगों को पता है, ये नई गाड़ी जब आप लोग लेते हो तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आप लोगों को भी होती होगी। अभी जा रहा हूँ मैं एक बार चूरू राजस्थान, वहाँ पे अपनी गाड़ी मिलेगी। और ये खड़ी पीछे अपनी थार सफाई डेली, क्योंकि इसको तो मैं मतलब पापा को ही देता हूँ। लैपटॉप मैंने ले लिया हाथ में, रास्ते में मुझे काम भी करना है, आप लोग जो वीडियो देखोगे वो आएगी। और सब्सक्राइबर का धन्यवाद बहुत ज़्यादा। बताऊँगा आपको कैसे मिली गाड़ी चूरू से, क्यों यहाँ से 255 किलोमीटर है, 5 घंटे का रास्ता है। राही भाई को जो मैं लेके जाने लग रहा हूँ, तो करते हैं गाड़ी एक बार स्टार्ट और जय श्री राम। मैंने पिछली वीडियो में आपको इस डैम्पिंग के बारे में बताया, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ये डैम्पिंग तो यूजुअली आप लोगों ने देखी होगी, बाकी ऑटोमैक्स की अच्छी डैम्पिंग है, बट मार्केट में आपने देखी होगी। सबसे डिफरेंट प्रोडक्ट ऑटोमैक्स क्या लाया आपको सामने मैं दिखाऊं, तो दिस इज द ऑटोमैक्स का अल्ट्रा ऑब्जॉर्वर। देखो नाम ही काफी, अल्ट्रा ऑब्जॉर्वर क्यों होता है ये? बेसिकली क्या होता है, हमारी जो डैम्पिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा लोहे की शीट्स में हम लोग डैम्पिंग करवा लेते हैं और मार्केट में चलता ही है। बट ये अल्ट्रा ऑब्जर्वर कहाँ पे लगता है? आपकी गाड़ी के गत्ते जो होते हैं ना प्लास्टिक वाले, उन पे ये लग जाता है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, देखो ये पेस्ट हो जाता है सिंपल जाके आपके गत्ते पे, उसके बाद ये आपकी गाड़ी के गत्ते को और स्टील को भेड़ने से रोकता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में चर चर चू 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 की जो आवाज़ आती होगी वो खत्म हो जाती है। तो भैया देखो, डैम्पिंग ना बहुत सारी हमने होती हुई देखी, मैंने मार्केट्स में देखी, बट ऑटोमैक्स हमेशा से नई नई चीज़ों की इनोवेशन करते रहते हैं। तो वो लोग एक ऑटोमैक्स का अल्ट्रा ऑब्जर्वर लेके आए, बहुत ही उमदा डैम्पिंग। आप लोग छोटे हो गए, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है यह कर सकता है, बट हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में जाओगे ना तो आपको फर्क पता चलेगा। कंपनी आया वो ऑलरेडी इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये वाली सीट जो है इन पे ध्यान नहीं दिया जाता, इन पे दिया जाता है। तो इंस्टॉल कहां से करनी है, तो आप नियरेस्ट डीलर पे जाके डिमांड कर सकते हो, भाई मुझे तो ऑटोमैक्स का अल्ट्रा ऑब्जर्वर चाहिए। बाकी अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी, सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको मिल ही जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, जाके फटाफट परचेज कर लो। तो भाई अभी ना हम लोग आ गए हैं राही भाई के घर के नीचे, ये रहे, सीधे जाके उनका घर है नीचे। उनको मैंने बोला है कि मेरे साथ चल पड़ो, यहाँ से टाइम लगेगा लगभग आप लोग लगा लो 5 घंटे का दिखा रहा है, बट हम लोग 4-4.5 घंटे में जो है पहुंच जाएंगे। फटाफट लेता हूँ और वहाँ जाके दिखाता हूँ अपनी गाड़ी की PDI और सब कुछ। तो गाइस राही भाई आज अपने साथ हैं। राही भाई कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी लेने और सीकर जा रहे हैं, PDI करने जा रहे हैं बेसिकली हम लोग। बताते हैं, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, हम लोग थोड़ी देर और भी रुक जाते वर्धन, फिर जब बात आ जाती है ना इज्जत पे और बात आ जाती है कि तुम लोग कमेंट में कुछ भी लिखते हो, तो फिर हम कुछ भी कर गुजरते हैं ना, जाना पड़ता है। तो अभी यहाँ से भाई 220 किलोमीटर के आसपास से भगाएंगे गाड़ी, मतलब 4 बजे के आसपास शायद से पहुंच भी जाना चाहिए हमें। ये उससे 225 है मैंने अभी देखा, मतलब चलो भगा लेंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार फटाफट चल रहा हूँ मैं और पहुंचते हैं पहले चाय ही पीने, बाहर पीएंगे रास्ते में, भगा लेते पहले, स्पीड खींच लेते, डीजल भरवाना है अभी पूरा और लगा लो। हमारा 5 जर का तेल आने जाने में लग जाएगा, बट ठीक है कोई नहीं, गाड़ी के लिए कुछ भी यार, क्या तेल वाले होते हैं। अब डीजल मतलब डली रहा है हाल फिलहाल, तो घंटे जो है 4 घंटे 37 मिनट के आसपास दिखा रहा है। पहुंचना है फटाफट और गाड़ी की PDI करके दिखाऊंगा, कुछ फेक नहीं है, कुछ नहीं है। PDI में होता क्या वैसे, जैसे देखना स्क्रैच देखने होते हैं, कुछ दिक्कत है नहीं है। और फिर मेन तो ये है ना कि हम उस गाड़ी को पक्का करने जा रहे हैं कि भाई हाँ हमें लेनी है, शोरूम वाले आगे भी दे देंगे, आपको पता है कितनी हाई डिमांड में गाड़ी है। सब चीजें बताऊंगा, कितना प्रीमियम दिया मैंने, कितना कुछ दिया है और कितने में गाड़ी मिली। भाई अब देखो निकलना तो हमें, हम ऑलरेडी इतने लेट हो रहे हैं और मैं रास्ते की कंडीशन दिखाऊं ना आप लोगों को, तो 3-3 ट्रक ऐसे चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हर ट्रक ड्राइवर भाई गंदा होता है या ऐसा होता है, पर यार इनको थोड़ा सा ना ये मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग बैठे हैं बहुत ऊंचे लेवल पे, यानी कि ऊपर बैठे हैं और इनको तो शायद कुछ होगा भी नहीं, हम लोग साइड में चलते हैं ना। और मतलब ठीक है क्या ही बताऊं, अभी ना हम लोगों को 4:42 दिखा रहा है अराइवल, बट वो थोड़ा सा लेट होगा 5 बजे, क्योंकि खाना भी खाना है ना, कुछ नहीं खाया सुबह से। इनफैक्ट मैं तो कल रात को बिना खाए सोया हूं, आप भी हजार पेट कुरकुर कर रहे हैं। और ठीक है आज पूरे दिन कैलोरीज भी बर्न होगी, ड्राइविंग अभी तो मैं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में राही भाई को दे दूंगा, फिर यही है कि ड्राइविंग में पांच गिरने को होगा। इनकी गाड़ी में 5 गिरे, इनको 5 गिर के आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यार मेरा गांव आने वाला है अभी निमराना, आपने देखा है पहले? नहीं बताया, मैं निमराना दिखूंगा, मेरा गांव है यहाँ से गुड़गांव से हार्डली 1 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का। हम लोग निमराना पहुंच गए हैं, अभी भी हमें टाइम दिखा रहा है 4 घंटे 37 मिनट, मतलब भगाने की खूब ट्राई कर रखी है। और ये टाइम जब दिखा रहा था, मतलब 4:35 जब दिखा रहा था जब हम गुड़गांव से निकले थे, है ना, ट्रैफिक नहीं था बीच में, बट ट्रैफिक कवर करने के बाद भी ये टाइम आ चुका है। ठीक है जो भी है, अब फटाफट देखो आधे घंटे हमें यहाँ 5 बजे के आसपास पहुंचेंगे, 6 बजे शोरूम बंद होगा, 1 घंटे में PDI हो जाएगी। अमाउंट कुछ मैं ट्रांसफर करके आऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी आप लोग लॉक कर लो, अब जो भी टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट्स होने में वो कुछ दिन का लगेगा।
लोग ना यहाँ पे हाईवे किंग रुके हुए हैं और गाड़ी हमने लगा दी उधर, थोड़ा सा खाना खाने, यार सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब खींच लूँगा मैं बस। मोस्टली हम लोग हाईवे ये ढूंढते रहते, सीकर पहुँचते हैं डायरेक्ट और वहाँ पे गाड़ी की पीडीआई करेंगे, जैसी कुछ है पराठा वराठा खाते हैं अंदर जाके। हम लोग इतना ठीक है इतना अनहेल्दी खा रहे हैं जिसकी कोई इतनी, यहाँ पे पराठा आ गया वो हम दोनों का कॉमन है प्याज वाला, और ये हम दोनों का चॉइस वाला है ना। आगे निकल गए हम लोग फाइनली, अब भाई हमने गाड़ी खींचनी पड़ेगी क्योंकि पहुँचना है ना, जल्दी पहुँचना है। तो अभी तक 120 पे चला रहे थे, अब 140 पे आ गई गाड़ी। ये राइट में जो दिख रहा है आपको, ये है नीम का थाना, और ये इधर ना मेरे मामू जी, मतलब मिस हैपनिंग हुई, हाँ इधर ही हुई थी, इधर ही है नीम का थाना, एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन नहीं पता बट ये नीम का थाना में हूँ हाल फिलहाल में, और राइट साइड में जाके है। सीकर रह गया हमारा लगभग 88 किलोमीटर के आसपास, चलते हैं। तो ये राइट साइड में पड़ता है नीम का थाना, पुलिस स्टेशन दिख रहा होगा आपको यहाँ से, भुदौली करके भी गाँव है ये आसपास इधर कोई, और इधर से सीकर है अपना 81 किलोमीटर के आसपास। टाइम जो हम लोग एकदम सही टाइम से पहुंच रहे हैं ना भाई, हाँ एकदम सही टाइम से पहुंच रहे हैं, लेफ्ट में आएगा राइट में नहीं आएगा। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए सीकर 4:30 बजे, काफी सही टाइम पे पहुंच गए हैं ना, खा पी के रुक रहा के ट्रैफिक में भी। अब आ गए यहाँ पे हमारा शोरूम जिससे हमको गाड़ी लेनी है, आज हम केवल पीडीआई के लाए हैं, बातचीत करेंगे कितने कुछ में है गाड़ी, क्या कुछ रेट है फिक्स है। ये ना इस तरफ सारे के सारे शोरूम है आपको दिखने लग जाएंगे, हुंडई का है, हुंडई के बाद टाटा का है, फिर उसके बाद यहीं पे होंडा का भी है, इतनी आगे है मेरे भाई, बड़े भाई आगे है, बड़े भाई यही लग रहा है, बड़े भाई हाँ बड़े भाई टाटा है ये। अब इसके बाद आएगा जम्मू करके, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम देखे कि जम्मू मोटर्स और ये सारा सीन है ना, तो इधर ही आएगा बड़े भाई, ये देखो नेक्स्ट आ गया, हाँ बड़े भाई आ गया ना, नेक्स्ट आ गया बड़े भाई, यही है बड़े भाई लगा दो यहाँ पे। तो भाई नेक्स्ट सीकर आ गए फाइनली, अब एक बार हम लोग करते हैं बातचीत बड़े भाई, हाँ लगाया बड़े भाई इधर लगाओ ना, इधर पीछे नेक्स्ट की साइड में लगाया अभी तो, हाँ लगा दो चलो ऊपर फिर भी, चलो बड़े भाई इधर लगा दो, कोई नहीं यहाँ लगा दी भाई बड़े भाई ने गाड़ी, अब चलते हैं एक बार है ना, लगा दिया अब लेट्स गो, एक बार चलते हैं और पता करते हैं अभी ग्रैंड वितारा है नहीं है, क्या कुछ है, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, बलिनो भी ले सकते हैं, मेरा बलिनो कई दिन से मैंने पीडीआई वगैरह सारी चीज़ जो आपको मैं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं करोल बाग वाला सौदा एक बार हम लोग वेट कर रहे हैं अभी, एक बार वेट कर रहे हैं भैया आ जाएं फिर बात करते हैं। सीकर आए थे यहाँ पे और ग्रैंड वितारा लेने आए थे, अपने को मिले हैं यहाँ पे एक फॉलोअर भाई, बात करते हैं इनसे, क्या नाम है पूछते हैं, सब्सक्राइबर हैं भाई, हेलो भाई क्या नाम है, सक्षम यहीं पे रहते हो, ये जानकारी है कुछ है यार, ये मना कर रहे गाड़ी देने से, नहीं कर रही है बात हो रही है, चलो यार एक बार भाई से बात कर लेता हूँ, और क्या यार एक बार भाई से बात कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है फोटो ले रहे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है, सबसे बढ़िया फोटो आएगी, ठीक है भाई। भाई ने मेरी गाड़ी देखी थी, अरे मैं पूछूं उसकी तरह, भाई सारी वीडियो देखते हो, सारी वीडियो पसंद आती है यार, क्या बताऊं यार, जहाँ मैं जाता सब्सक्राइबर मिल जाते यार, मजा आती है बात, एक बार देखता हूँ अपनी गाड़ी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, और अभी जो हाँ चाय पी लेते हैं भाई, हाँ पी लेते हैं, उन लोगों ने तो पूछा नहीं चाय के लिए हमसे, हम खुद यहाँ पे चाय पीने आ गए इधर, खैर जो भी है छोड़ते हैं इस चीज़ को, और ये देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी, अभी एक बार थोड़ी देर में ही पीडीआई वगैरह होगी, हल्का सा इशू हो रखा है तो वो ये लोग क्लियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं क्या ही कर सकते हैं, टाइम जो है ऑलरेडी हो चुका है 5:20, अभी हमें गुड़गांव भी निकलना है तो वही सेम 4 घंटे लगेंगे है ना, रास्ते में खाना वाना क्या चाय वाय पी लेंगे आराम से जाएंगे, भगा के तो इसलिए आए थे हम लोग क्योंकि बंद ना हो जाए, अब जाना है तो माइलेज वाइलेज जो भी सारी निकलेगी है ना, सबसे प्रीमियम मेरे हिसाब से यही लग रही है ना, ये फिर एक्सेल ऑटोमेटिक, ये भाई काफी प्रीमियम गाड़ी है नो डाउट, अच्छा फील, और स्पेस देखो भाई भर के स्पेस है, पीछे वाले के लिए भी आपके लिए भी जबरदस्त स्पेस है भाई, मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा कट है मारुति की तरफ से, तगड़ा वाला सेम है, मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ, आए थे यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेने भाई, सीकर आए हुए, लोकेशन दिखा दो भाई एक बार, सर्च करके दिखाना लोकेशन, करंट लोकेशन कैसे दिखाते हैं, हाँ ये लो भाई रॉयल एनफील्ड पूर, मतलब हम लोग सीकर में ही है ठीक है, यहाँ सीकर ये ना देखो सीकर है, अगर किसी को विश्वास ना हो, और यहाँ से आपको एक बार गुड़गांव भी सर्च करके दिखा देता हूँ कितना है भाई, कई लोग ना मानते नहीं है तो उनको प्रूव करना जरूरी है, ये लो भाई ये है अपना स्टार मोड डाल देंगे, ये देखो भाई ये झाड़सा विलेज गुड़गांव सेक्टर 39, ये अगर आप लोग डिस्टेंस देख लेना अपने आप, 253 किलोमीटर दूर आए हम लोग, अब आके पता है क्या पता चलता है भाई, जिनने मेरे को भेजा यहाँ पे उनकी तो कोई गलती नहीं, वो तो मेरी हेल्प कर रहे हैं उल्टा है ना, वो हाँ वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, यहाँ पे आए भाई और सबसे पहली चीज तो
जिनने कस्टमर ने बुकिंग करी ठीक है, उनने कहा कि मुझे कोई एसेसरी नहीं चाहिए, यहाँ पे आके ये लोग बोले कि भाई तुम्हें एसेसरी लगवानी पड़ेगी, है ना। कस्टमर भी क्या कजन ही है? हाँ कजन है, मतलब कस्टमर तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनके लिए कस्टमर है वो, है ना। हमारे तो चलो कजन है, फैमिली मेंबर, उनने कहा था कि भाई आप ले लो आके। अच्छा, इनने बोला कि आपको एसेसरी लगवानी पड़ेगी, जबकि उनसे बात हुई थी कि एसेसरी कोई भी नहीं लगेगी गाड़ी में। पहली चीज ये, हम लोगों ने बोला एसेसरी तुम लगा पाएंगे, कह रहे गाड़ी पहले ही कमा रही है, आप एसेसरी के बिना कैसे लोगे। और ये गाड़ी मैं बताऊँ आपको कब की बुक हो रखी है, एक बार लगाना भाई वसीर उठा के। हाँ, ये गाड़ी में बताओ आपको कब की बुक हो रखी है, 5 महीने पहले प्रायोरिटी डिलीवरी पे गाड़ी बुक हुई थी। अब गाड़ी उनने मना कर दी कि भाई आपको मतलब सॉरी, ये गाड़ी 5 महीने पहले की बुक हो रखी है। कस्टमर ने जिस टाइम ये बुक गाड़ी बुक करी थी, उनने कहा था कि मैं ना इसमें कोई भी एसेसरीज नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। अब वो बोल रहे हैं नहीं, आपको एसेसरी लेनी पड़ेगी कम से कम 20-25 हज़ार की, और अलॉय व्हील लेने पड़ेंगे, ये लेने पड़ेंगे, वो लेने पड़ेंगे, इतनी सारी बातें जो है कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक टाइम पे मान भी गया, मैंने कहा चल यार ये तो मैं जो है करवाई लूंगा, अब गाड़ी मिल रही है, इतनी दूर आया हूँ यार मैं, 5 हज़ार का तेल लग गया। ये रहा देखो भाई सीकर वाला शोरूम, ये दिख रहा है आपको, दिखाऊं? देखो ये रहा नेक्सा, अब जाने लग रहे हैं हम लोग रात को। तो हाँ भाई, फिर मैंने कहा कि चल लगवा लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन लोगों ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, कह रहे नहीं ये नहीं होगी, वो नहीं। प्रीमियम का चक्कर है यार, मैं चीज बताऊँ कि मतलब हर जगह आपको प्रीमियम खिलाना पड़ेगा, है ना। सही बात, गाड़ी अगर लेनी है प्रीमियम खिलाना पड़ेगा। और सेकंड लगा दो भाई, राय भाई मेरा साथ बन रहे। और सिंपल सी चीज़ है कि ये लोग सोचते हैं कस्टमर को हम लोग थोड़ा पहले उतावला करें, ये करें वो करें। और एक चीज़ है, प्रीमियम अगर ऑफर करोगे तो भाग के आपको गाड़ी जो है वो भी दे दी जाएगी, मिल जाएगी, चाहे वो किसी का ही हाल बताऊं मैं तो। भाई शेम ऑन मारुति, सच्ची में गाड़ी लो तो आपको पहले एसेसरीज लगवानी पड़ेंगी, एसेसरी नहीं लगवाते तो आपको प्रीमियम खिलाना पड़ेगा, और वो भी नहीं तो फिर आप किसी का हक मार के जो है गाड़ी मतलब वो करो। ठीक है भाई, अब मेरे को लग रहा है 2-3 बार ऐसा हुआ और हुआ, फिर तो मैं भाई वही कर दूंगा, कैंसिल ही कर दूंगा प्लान लेने का। हाँ, फिर अपना सीधे जिमनी के लिए वेट करेंगे भाई, या जोन सी गाड़ी के लिए। मजा सा नहीं आ रहा, अभी इतनी गंदी बात हो रही है यार, मतलब आज मन सा इकट्ठा हो गया। एक तो इतनी दूर आए हुए, देखो ट्रिप ये दिखाऊं मैं, हमने आज सेट करी 248 किलोमीटर चल के आए, 252 किलोमीटर वापस जाना है, कौन से रास्ते से लेके जाएगा, क्या कुछ होगा नहीं पता, इतनी रात का 6 बज गए, आज कोई वीडियो नहीं डल पाई, कुछ नहीं डल पाई, सच्ची में मन उदास हो गया एकदम। चलो चलते हैं यार घर, क्या ही कर सकते हैं, शेम भाई मारुति शेम। मेरे पास ना अभी आया था फोन, मैं आपको बताता हूँ, एक राजस्थान की एजेंसी है, नाम तो क्या ही लूंगा मैं उसका, है राजस्थान की, है ना, राजस्थान की एजेंसी, उनका फोन आया मेरे पे। और भाई धंधा बना रखा है मारुति ने, कह रहे हैं भैया अलॉय व्हील लगवाने पड़ेंगे, म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक्सेसरीज और लगवानी पड़ेंगी, और उसके बाद ऊपर देने पड़ेंगे 80,000 रुपए, है ना। मतलब 1-1.5 लाख रुपए तो आपको जो है निकाल के देने पड़ेंगे अगर आपको गाड़ी लेनी। धंधा बना रखा है सच्ची में, ऊपर से मतलब गाड़ी लेने के लिए। भाई पहले ही तुम्हारी गाड़ी की 12-14 लाख रुपए रेट है, उसके ऊपर तुम 1.5-2 लाख रुपए और लो, शर्म आनी चाहिए। ये पता है मारुति की वजह से हो रहा है कि आगे से गाड़ियां डिलीवर नहीं कर रहे या फिर जो भी है, समझ नहीं आ रहा है, बड़ा गलत है यार।